असलम टू ऑल ऑफ यू इट्स कुड टू सी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हेयर आप पी एफ यू जी का बहुत शुक्रिया आप uh, मुझे मौका देने का यहाँ बोलने के लिए आई विल जस्ट टेक फाइव मिनट्स पहली बात तो यह है कि ये सेमिनार जो है इनको अटेंड करना और बोलना खासा ख़तरनाक हो चुका है जो पिछला सेमिनार हुआ था सात वाले हॉल के अंदर वो करवाया था शेब शाह पुराने सेमिनार में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने करवाया था ये पी एच यू ने कराया शायद कोई थोड़ा लिहाज करते हैं लेकिन अयाज़ अमीर साहब जिनका सारा हमला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर था अगले दिन छः लोगों ने उनकी पिटाई कर दी लाहौर के अंदर इमरान रियाज खान पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर उन्होंने तकरीर की थी वह गिरफ्तार हो गए और डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक कोर्ट कोर्ट अदालत अलाल फिरते रहे बड़ी मुश्किल से सुपीरियर जुडिशरी ने मैं इस पर तौर पर इससे वाकफ़ हूँ कि इतनी हाइस्ट लेवल पाकिस्तान की जुडिशरी ने इस पर इंटरवीन किया और लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि आप सैटरडे के दिन ये लगाएं बिकॉज जुडिशरी ने उसका नोटिस लिया दिस इज़ हाउ इट हैपन लेकिन वो भी हुआ खालिद नईम लोधी अच्छा समी इब्राहिम साहब सामने बैठे हैं उनको हिजड़े भेजे गए प्लान ये था कि हिजड़ों को मारते हुए वीडियो बनाई जाए आ, फिर ये कहा जाए कि इनके खिलाफ एक एफ दर्ज की जाए लेकिन थैंक्स के बोल की आ, अपना सी सी टी वी फुटेज वहाँ मौजूद थी आ, जिसकी वजह से वो पुलिस वो एफ आई आर दर्ज नहीं कर सकी और खालिद जनरल खालिद लोधी जो हैं उन्होंने बोला था उनकी पता नहीं पेंशन बंद हो गई है प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो उनके कैंसिल हो गए अब उसमें शेयब साहब रह गए मुझे नोटिस आ गए हैं तकरीबन थर्टी थ्री किस्म के लेकिन मेरे भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि सिर्फ नोटिस ही भेजें तो ये सेमिनार जो हैं अब ये है इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि पाकिस्तान में आ, क्या वजह है एक बुनियादी क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ हामिद मीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं फरतुल्ला बाबर साहब को मैं देख नहीं सका लेकिन मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ मौजूद हैं क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी खौफजदा क्यों हैं इसका ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया uh, अंग्रेजी में एक स्कूल रेम राइम है स्टिक्स एंड स्टोन में ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी और इसी के ऊपर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसकी सारी असास जो है वो इस एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि अल्फाज होंगे सबके आपको अल्फाज ओपिनियन और एनालिस से अगर डिसग्रीमेंट है आप समझते हैं कि गलत है आपके ख़िलाफ़ है तो आप अपनी दलील अपना ऑर्गमेंट उसके सामने लेकर आएँ ये क्या वजह है कि आप लोगों को मार देने की कोशिश करते हैं आ, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत अगर हम इसको सीरियसली देखें तो कोई भी कभी भी पाकिस्तान में नाइनटीन फिफ्टीज से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिक्योर नहीं थी और आ, उसके रास्ते में हज़ारों सैकड़ों किस्म की मुश्किल थी उन्नीस सौ अस्सी की दिहाई में पाकिस्तान के प्रोमिनट जर्नलिस्ट को कोड़े मारे गए गिरफ़्तारियाँ हुई पाबंद हुए बहुत से मुल्क लोगों को ये मुल्क छोड़ के यूरोप और बरतानिया में पनाह लेनी पड़ी या नाइनटीन एटीज़ में हुआ नाइनटीन नाइन्टीज़ में जब पोलिटिकल पार्टीज़ आई भी तो उन्होंने बाय बाए लार्ज जो एटीज़ का कल्चर था उसे उन्होंने कंटिन्यू किया वो उसमें से नहीं निकल सके फिर ये भी एक आयरनी और तजाद है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसने टेलीविजन चैनल्स के थ्रू एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी उसने आज़ादी दी ये और बात है कि 2007 में जब उसको खुद चैलेंज फेस हुआ फिर उसने क्रैकडाउन किया टेलीविजन चैनल्स को बंद किया लेकिन 2007 के बाद से भी एक यहाँ कन्वेंशन जी एक कन्वेंशन ज़रूर ऐसी रही कि हम ये नहीं समझते थे कि 80 की दिहाई जो है वो वापस आ जाएगी तो जब हमने देखा कि एक प्रोमिनट ये सही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी उससे पिछली हुकूमतों में भी दो हज़ार ग्यारह में सलीम शहजाद जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें कत्ल किया गया बाकायदा कत्ल किया गया उस पर इंक्वायरी बैठी कुछ मालूम नहीं हो सका हम अमीर साहब सामने बैठे हैं दो हज़ार चौदह में इन्हें गोलियाँ मारी गई हम सब जानते हैं किसने मारी इंक्वायरी बैठी जुडिशल इंक्वायरी टाइप थी कोई किसी नतीजे पर वो इंक्वायरी नहीं पहुँच सकी और ये तो यानी उठाया भी गया मारा भी गया छतों से लटकाया भी गया बाल काट दिए गए मुख्तफ जगहों पर छोड़ दिया गया और ये तमाम सियासी जमातों में होता रहा लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने अभी देखा है आ, कि इस गुजत बीस बरस में जब से मैं इसको देख रहा हूँ किसी हुकूमत ने किसी रजीम ने उसे लीगली कानूनी और अखलाकी तौर पर डिफेंड करने की कोशिश नहीं की ये एक फर्दर डिग्रेडेशन हो गई यानी उठाया गया मारा गया डराया धमकाया गया लेकिन जब मॉरल प्रेशर बिल्डअप सिविल uh, सोसाइटी की तरफ से मीडिया की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ट्विटर क्राउड की तरफ से तो 12 घंटों में 14 घंटे में छोड़ दिया गया और फिर लोगों के अंदर ट्रांसफ़र तबादले हो गए डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ uh, जैसा मतुल्ला जान के केस में हुआ कि जिन लोगों ने उठाया था उनकी इंटरनल इंक्वायरी और डिसिप्लिन उनका हुआ उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो गई उनके कैरियर्स जो हैं इफ़ेक्ट हो गए लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से पंजाब के वजी कानून मलिक अहमद ख़ान साहब ने जो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते रहे हर सहाफ़ी से उनका तल्लक रहा और हमने उनको बहुत ही एक मयाना रवि और मॉडरेट शख्सियत समझा उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जिस तरह से इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की थी अदालत में आके ये पोजीशन ले ली आईजीपी साहब ने यानी पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं फुटेज एग्जिस्ट करती है कि राइट एट एंट्री पॉइंट ऑफ द इस्लामाबाद मोटरवे जो टोल प्लाज़ा है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और पोजीशन ये ले ली गई कि नहीं यह पंजाब में फॉल करता हालांकि आई की टेरेटरी जो है वो टोल प्लाज़ा से शुरू नहीं होती आई सी टी कमिश्नर इस्लामाबाद की टेरिट्री जो है वो टोल प्लाज़ा के आगे भी एक्सटेंड करती है तो पाँच फुट से तो उसका फैसला जो है वो नहीं हो जाता लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोजीशन लेने के बाद इमरान रियाज को आ, अटक ले जाया गया अटक में बड़ी हिम्मत मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं जिनको पिक करने की ज़रूरत है कि वो जुडिशल मैजिट्रेट जो था उस पर कितना दबाव था उसके बावजूद उसने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का केस नहीं बनता और उसने कहा मुझे लगता है कि ये साइबर लॉ का केस बनता है उन्होंने कहा कोर्ट नंबर ट्वेंटी एट सेशन कोर्ट पिंडी में भेजा रहे पिंडी में तो जज साहब की जितनी तारीफ की जाए चौधरी परवेज खान साहब की जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने आप अंदाज़ा लगाया कि पिंडी में थे वो ऑफ ऑल द प्लेसेस वो पिंडी में थे उसके बावजूद उन्होंने ये बड़ी अप्रीशिएट करने वाली बात ये जुडिशरी के लिए और लीगल कम्युनिटी के लिए और एफ के जो एडिशनल डायरेक्टर आए उन्होंने कहा एफ का केस नहीं बनता एफ इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके बाद परवेज खान ने जो जज थे मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सात में से पांच जो सेक्शंस या चार्जेस थे उनको उन्होंने ड्रॉप किया और वापस अटक के हवाले कर दिया रात के 12 बजे इमरान रियाज को पुलिस लेके पहुंची और बाय द टाइम पाँच छः डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो थी वो वहाँ मौजूद थी जिसमें जिसमें चकवाल भी था जिसमें लाहौर भी था जिसमें गुजरा वाला भी था जिसमें टेक सिंह भी था तो जब वहाँ वो उसको लेके गए और वहाँ ही उसको उस सेल में बंद किया जिसमें केमिकल केमिकल ड्रम थे शायद उसका उस पर इफ़ेक्ट हुआ है क्या हुआ है ये बात बहुत अजीब है कि जिस किस्म के सिम्टम्स और साइन उसमें इस वक्त हेल्थ के आ रहे हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी वग़ैरह वो क्यों हो रहे हैं बहरहाल तो जो ढाई घंटे की समाप्त थी अटक में जो तनवीर असकर हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट उन्होंने जो आठ पेज का डिसीजन लिखा वो पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये वही डिसीजन है शुएब साहब से मशवरा करने के बाद अनवर मंसूर खान से मशवरा करने के बाद ये वही डिसीजन था अटक के तनवीर असकर साहब का जो मैंने सुपीरियर जुडिशरी को भेजा और मैंने उन्हें कहा कि देखें दी लोअर जुडिशरी हैज़ ऑलरेडी टेकन अ पोजिशन ऑन दैट इशू और उन्होंने ये कहा कि ये केस बिल्कुल भी गिरफ्तारी का केस नहीं बनता इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है इस पर यह शख्स नहीं लगती हैं मैं किसी किस्म का फिजिकल रिमांड इमरान रियाज खान का नहीं दे सकता कह के उन्होंने भेजा चकवाल में चकवाल में इतनी बदमाशी की गई इतनी अथॉरिटेज थी कि मजिस्ट्रेट को केस सुनने नहीं दिया गया उसकी अदालत जो थी उसको लगने नहीं दिया जाता था बहरहाल उसके बावजूद उसको भी फिजिकल कस्टडी मांगी गई उसने फिजिकल कस्टडी देने से इंकार कर दिया तो जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है उसने पहली दफा यह साबित किया कि उसकी एक स्पाइनल कॉर्ड है और कितना प्रेशर था क्योंकि प्लान तो यही था कि एक डेढ़ महीने तक आपको अठारह ई एफ आई आर भुगतनी और ईद पर घर जो है वो नहीं जाने देना तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक हुकूमत के जिम्मेदार लॉ मेनिस्टर का डिफेंड करना है इस कंडक्ट को ये मुझे लग रहा है कि एक फर्दर हम एक स्टेप डाउन एक नॉच डाउन चले गए हैं और इस पर पीपल्स पार्टी को पी एम एल एन को पी टी आई को सिविल सोसाइटी को लीगल कम्यूनिटी सबको सोचने की ज़रूरत है कि आप एक गलत इकदाम को एक तारीख़ कदम को आपने डिफेंड कर दिया है कानूनी डिफेंड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड कर दिया ये हैविंग सेड दिस थिंग पाँच ही मिनट मैंने लेने थे आ, आ, देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत में भी और इससे पिछली हुकूमतों में भी किस्म के प्रेशर थे ये सही है ना पी एम एल एन ने किसीफ़ी को उठाया ना पीपल्स पार्टी ने किसी सहाफ़ी को उठाया ना पी टी आई ने किसी को उठाया उठाया तो जिन्होंने सही लेकिन तमाम हुकूमतें मुख्तलि किस्म के गलत कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स डेवेलप किए गए उसको डिफेंड करती रहीं खान साहब की हुकूमत जो है उस पर भी बड़ा प्रेशर था फवाद चौधरी साहब मसलसल पी का एमेंडेड ऑर्डिनेंस पहले तो नून लीग ने पी का ऑर्डिनेंस बनाया जो बड़ा फ्लॉड ऑर्डिनेंस था उस वक्त भी उसकी बड़ी खप पड़ी शोर मचा पी एफ यू जे के प्लेटफॉर्म से उस वक्त भी उसकी मजम्मत हुई फिर फवाद चौधरी साहब आप... पी का एमेंडेड ऑर्डिनेंस 2016 को डिफेंड करते रहे वो तो बड़ी मेहरबानी है अतर जस्टिस चीफ जस्टिस अतरबैन अला की कि उन्होंने इसको शूट डाउन कर दिया वरना वही पी का एमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है उसमें इस वक्त हम सबके के खिलाफ इस्तेमाल होना था और जो इस्तेमाल हुआ है उससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जो भी कानून बनता है उसके अंदर सेफ़ नहीं हैं अगर सेफ़ होते हैं क्योंकि हर लॉ जो दुनिया में कहीं भी बनता है उसमें सेफ़ रखे जाते हैं और यहाँ पर चूँकि बेतहाशा बुकला मौजूद हैं वो समझते हैं कि सेफ क्या चीज़ होती है ताकि वह कानून का मिस ना हो सके लेकिन पाकिस्तान जो भी कानून बनता है उसके अंदर इफेक्टिव सेफ नहीं होते और उसका मिस होता है जैसा कि हम देख रहे हैं हमें बताया गया कि पीका मुल्क की सलामती की खातर मुल्क के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कौमी सलामती के लिए लेकिन आप देखें कि जिन लोगों को पीका एमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत तो उन पर चार्जेस लगाई गई उसमें से कोई भी मुल्की सलामती का तो कोई इशू जो है वहां पर नहीं था तो आई विल फिनिश माई सेंग दिस थिंग कि इस वक्त जरूरत इस चीज़ की है कि तमाम सियासी जमा एक उसका ये मैंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था मैंने शायद इसी वजह से शायद छोड़ भी उन्होंने मुझे कि मैं ये देखें यहाँ एक सियासी जमात इस अथॉरिटेरनिज़म का मुकाबला नहीं कर सकेगी मुझे कम अज कम मेरी जो टू पेंस ओपिनियन है ये है कि जिस किस्म की अथॉरिटेरनिज़म का मिजाज जो है हमारे इंतजामी ढांचे के अंदर पेनीट्रेट कर चुका है कोई एक सियासी जमात खब टू थर्ड मेजोरिटी भी ले सकती हो वो भी इस अथॉरिटेर को सिंगल हैंडली हैंडल नहीं कर सकेगी यहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है पीटीआई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और और जमातों के दरम्यान अब वो कंसेंसस बड़ा मुश्किल इसलिए है कि बड़ी पोलराइजेशन है तो जो बेयर कॉमन जो सबसे छोटे छोटे जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकती है कॉमन डिनोमिनेटर वो कॉमन डिनोमिनेटर को पिक करने की जरूरत है और इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर इन जमातों को आपस में एक कमेटी कायम करनी चाहिए सेकेंड ईयर लीडरशिप पर मैं नहीं कह रहा टॉप लीडरशिप के लेवल पर सेकेंड ईयर लीडरशिप में वो सेनेट में भी हो सकती है वो सेनेट के बाहर भी हो सकती है जहाँ ये कहें कि हम खड़े हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और हम अथॉरिटेरिज्म जो है नहीं होने देंगे हर किस्म की ओपिनियन और हर किस्म के एनालिसिस की इजाजत होगी थैंक यू सो मच